हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ब्रिलियंट फैक्ट। एक ऐसा हथियार जो कुछ पलों में पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, एक ऐसी ताकत जो इमारतों, पेड़ों और इंसानों को सबको एक हवा की झोंके की तरह तबाह कर रख देगी। दुनिया इस हथियार को परमाणु बम के नाम से जानती है, जिसे एटम बम भी कहा जाता है। परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी धरती पे कुल 13,000 से ज्यादा परमाणु बम हैं, जिनमें से 90% बॉम्ब अमेरिका और रशिया के पास हैं और बाकी के 10% बॉम्ब भारत, जर्मनी, इजराइल और चाइना के पास हैं। इन परमाणु बमों में से अगर 100 बम को धरती पर गिरा दिया जाए तो यह धरती को तबाह करने के लिए काफी हैं। परमाणु बम का इस्तेमाल दुनिया में सिर्फ एक बार हुआ था। यह परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर पर 7 अगस्त 1945 को गिराया गया। फिर 3 दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम से अटैक किया गया। इन अटैक्स के बाद दोनों शहरों की होंद ही खत्म हो गई। वहां पर लोग खड़े खड़े कुछ सेकंडों में मिट्टी में बदल गए और यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। लगभग इस हमले को 70 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर परमाणु बम के रिएक्शन नजर आते हैं। जिन शहरों पर परमाणु बम से अटैक हुआ था, उन शहरों में आजकल कोई भी नहीं रहता। इस हमले के कारण इतनी तबाही हुई कि लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन इस दिन दुनिया को पता चल गया कि हमारे बनाए वेपन्स ही हमारी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए हमले को लगभग 70 साल हो गए हैं। इस 70 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है, आप इमेजिन कीजिए। 70 साल पहले हुए हमले से यह हाल हुआ, अगर इस समय परमाणु बम से अटैक किया जाए तो क्या हाल होगा। इन परमाणु बम्स की ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि यह कितने ज्यादा पावरफुल हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपने काम में व्यस्त हैं और आपके ऊपर अचानक से परमाणु बम से अटैक हो जाए तो आपका क्या हाल होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि परमाणु बम से कैसे बचा जाए तो आपका यह क्वेश्चन ही गलत है। परमाणु बम जहां गिराया जाता है वहां का तापमान 1,00,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसकी रेडिएशन 10 किलोमीटर के आसपास तक फैल जाती है। इसके हीट से सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसके कारण किसी भी चीज के बचने के कोई चांस नहीं बनते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।